गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. क्लास टू लेसन फोर और साइंस में थ्री तक जो पढ़ाई हो गई है उसके बाद लेसन फोर में यूज ऑफ एनिमल्स, जानवर को हम लोग कैसे किस रूप में किस तरह से उपयोग में लाते हैं, आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सर्किल द एनिमल्स दैट आर फाउंड इन फॉरेस्ट. यहाँ हम सी डब्ल्यू के लिए कुछ जानवर का नाम लिख दिए हैं और आपकी किताब में भी दिया गया है. तो यहाँ हम आप घेरा लगाइएगा कि कौन जानवर है जो जंगल में रहता है, उसमें आप सर्किल डाल देंगे इस तरह से करके सर्किल आप डाल दीजिएगा ऐसे, जो होगा कि जो जंगल में रहता है. अब किताब को सामने देखिए और उसमें समझिए कहाँ कठिनाई है. देयर इज ए वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स अराउंड अस. हम लोग क्या देखते हैं, चारों ओर तरह तरह के अलग अलग किस्म के जानवर देखते हैं. सम एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट. तो उसमें क्या है, कुछ जो है जंगल में रहते हैं, जो जंगल में रहता है उसे कहते हैं जंगली जानवर, और उसी में कुछ हमारे खेतों में, कुछ घर में, जैसे डोमेस्टिक मीन्स घरेलू पेट मीन्स पालतू, फार्म हाउस भी कहते हैं. तो सम एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, कुछ जो है जंगल में रहते हैं, जबकि वाइल्ड अदर कैन बी टेम्ड एंड केप्ट एट होम्स और फार्म हाउस. तो जो घर में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फार्म हाउस, और उसे हम पालतू जानवर कहते हैं. तो टेम्ड एनिमल्स हेल्प यूज इन वेरियस वेज. तो टेम एनिमल्स के बहुत से हैं जिसे कि हम लाभ लेते हैं. वी शुड टेक केयर एंड प्रोवाइड देम फूड वाटर एंड शेल्टर. तो हम लोग को क्या चाहिए, जब हम उसे हर प्रकार से लाभ लेते हैं तो हमें भी उसका भोजन का और पानी का, ये आपका जैसे भोजन पानी और आवास का, क्या शेल्टर मीन्स आवास, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए, कारण इससे हम हर प्रकार से लाभ लेते हैं. तो इसमें कौन कौन से जानवर है जो कि टेम्ड एनिमल में से आ रहा है, और उसे हम घरेलू जानवर भी कहते हैं, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू. तो इसमें आते हैं काव, गॉट, शीप, डक, हैन, कैप्ट और फार्म्स, इसे क्या कहते हैं, घरेलू जानवर. ये सब खेतों में रहता है. काव मीन्स गाय, गोट मीन्स बकरी, शीप मीन्स भेड़, डक मीन्स बतख और हैन मीन्स मुर्गी. तो ये सब हम लोग घर में पाए जाते हैं, जिसे फार्म हाउस कहते हैं. ये घरेलू जानवर हुआ. अब इसी में से है कि जानवर जो है इसी में कुछ क्या देते हैं, एग्स और मीट. इसमें से कुछ क्या देते हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जो हमें दूध भी देती है. तो सम एनिमल्स लाइक काउ, गोट, ये सब क्या दे है, जैसे कुछ जानवर है गाय बकरी भेड़, ये सब क्या देती है, दूध देती है. और कुछ जो है एग मीन्स अंडा और मीट मीन्स मांस, कुछ ऐसे हैं जो अंडा भी और मांस भी देती है. तो बर्ड्स लाइक हैन, गूज, डक, ये सब क्या है, ये सब पक्षी, ये सब जो चिड़िया है वो अंडे देती है. और गॉट एंड हैंड्स, तो ये क्या देते हैं, मीट. तो इसे क्या करते हैं, मीट को
कुछ वैसे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जैसे आते हैं, जैसा आदमी जो मांस खाता है वो हो गया आपका नॉन वेजिटेरियन, और जो साग सब्जी खाता है उसे वेजिटेरियन कहे थे, हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़े थे। तो पीपुल कॉल नॉन वेजिटेरियन तो वे मांसाहारी हैं जो क्या करते हैं, ईट फ्लेश ऑफ एनिमल्स, वो जानवर को वो अपना मांस बना के खाते हैं, जिसे फ्लेश ऑफ एनिमल्स कहते हैं। तो ये जो है आपका गाय क्या देती है, दूध, उससे वह दूध भी देती है गाय, उससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उससे आपका बहुत सारा बनता है सामान। क्या क्या बनता है, चीज़, बटर और स्वीट, आपका मिठाई, तरह तरह का दूध से बहुत रूप में लाते हैं, उसमें चाय, उसको पीने के रूप में। तो दूध का हम अलग अलग तैयार करते हैं दूध से। उसके बाद आप जो है क्या कीजिएगा, देखिएगा कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन इसे भी याद कर लीजिएगा कि किसे कहेंगे, कि जो साग सब्जी खाता है उसे वेजिटेरियन, और जो साग सब्जी नहीं खा जो मांस मछली खाता है उसे क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन। उसके बाद बर्ड्स हो गया, एनिमल्स हो गया, उसी में से फिर हम लोग क्या उसे प्राप्त करते हैं जानवर से, हनी, हनी मीन्स मधु। तो उससे स्वीट सब्सटेंस, इससे एक मधु जो होता है उस मधु बनता है, स्वीट सब्सटेंस कहते हैं, और कैसे बनता है, वैक्स फ्रॉम बायो हेल्थ, वो तैयार करता है अपना मधु। और इस तरह से HW के तौर पे राइट थ्री थिंग्स दैट एनिमल्स फ्रॉम मिल्क्स, दूध से तैयार होने वाले तीन चीज़ें लिखिएगा कि क्या क्या तैयार करते हैं मिल्क से, चार्ट बनाइएगा, और आपके टेक्स्ट बुक में मैच ऑफ फ्लोइंग दिया हुआ है उससे आप जो है मिलाइएगा, ये HW के तौर पे और ये आपका CW के तौर पे। तो ये सिनॉप्सिस में हम लोगों ने देखा कि यूज ऑफ एनिमल्स, जानवर के क्या क्या उपयोग है, संक्षेप होता है सिनॉप्सिस में। कुछ वर्ड मीनिंग भी दिए हैं, टेम इट, टेम मीन्स पालतू, फार्म मीन्स खेत, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, डोमेस्टिक में घरेलू। फिर हम लोगों ने देखा फूड फ्रॉम एनिमल्स, कि जानवर से कौन कौन सा भोजन प्राप्त करते हैं, फिर मिल्क प्राप्त करते हैं, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनता है, बहुत सारी चीज़ें, चीज़, बटर, इटीसी। और उसके बाद एग्स एंड मीट, कौन जानवर एग्स, कौन पक्षी एग्स देती है और कौन मीट, तो इस तरह से कौन जानवर मीट देता है उसके बारे में भी देखे। फिर हनी, तो ये हनी भी इस तरह से मधु तैयार होता है। और इतना जानकारी लिए आज के लिए, तो थैंक्स।